الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاتنا وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم आपसे चंद सवाल पूछे गए जिसके जवाब कमेंट में बहुत कम लोगों ने दिया है। पहला सवाल था खानाए काबा काबतुल्ला की छत किस चीज से बनाई गई थी, वो क्या चीज थी जिससे छत बनाई गई, वह है लकड़ी। खानाए काबा की छत लकड़ी से बनाई गई। और मेरा दूसरा सवाल था जिन्नात की आबादी आदम अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले थी, अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया था, सबसे पहले जिन्नात की आबादी थी और वो जिन्नात की आबादी कितने साल पहले थी, सुनो 2000 साल पहले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात की आबादी थी। फिर तीसरा सवाल था दुनिया भर के पानी में सबसे अफजल पानी कौन सा है, दुनिया भर के पानी में सबसे अफजल पानी आबे जमजम का है, सबसे अफजल पानी आबे जमजम का है और आबे जमजम से भी अफजल पानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकला पानी सबसे अफजल है। आखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकला पानी आबे जमजम से भी अफजल है। और मेरा तीसरा चौथा सवाल था वो कौन सी खातून है अपने ही बच्चे को दूध पिलाने पर दुश्मन एक अशरफी देता था वो कौन सी खातून है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के घर में जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, बच्चे थे जब वहां पर पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिर खुद जाकर उनको दूध पिलाती थी। अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया करती थी। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम पर दूध पिलाने के दिवस में एक अशरफी देता था। फिर पांचवा सवाल कुरान मजीद में किस नबी का नाम सबसे ज्यादा आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा आया है। ये मेरे पांच सवाल। और फिर नए से सवाल, फिर पहले नए से सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है इबलीस का पहले आसमान पर क्या नाम था, इबलीस का पहले आसमान पर क्या नाम था, फिर वही इबलीस का दूसरे आसमान पर क्या नाम था, इबलीस का तीसरे आसमान पर क्या नाम था, इबलीस का चौथे आसमान पर क्या नाम था, इबलीस का पांचवें आसमान पर क्या नाम था, इबलीस का छठे आसमान पे क्या नाम था और इबलीस का सातवें आसमान पर क्या नाम था। ये सात मेरे सवाल हैं। सात नाम बताओ इबलीस के, पहले आसमान में क्या नाम, दूसरे आसमान में क्या नाम, तीसरे आसमान में क्या नाम, चौथे और पांचवे छठे सातवें आसमान तक उसके नाम अल्लाह ने बख्शे, अल्लाह उसे नाम दिया, क्या क्या नाम थे, ये मेरे सात सवाल हैं। देखते हैं कौन जवाब देता है। और जो पिछली मरतबा जो सवाल के जवाब दिए हैं अजहर मोहियुद्दीन, सिराज जरीन, इरफान, जावेद, गौसिया बानु, सैयद मुताहर, अंजुम, अमजद बादशाह, नाजनीन ताज, इतने लोगों ने जवाब दिया है। और कोशिश करिएगा जवाब देने की। देखते हैं अब ये सवाल के जवाब कौन देता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल